आजकल आपका मनरेगा में अटेंडेंस का सिस्टम चालू हुआ है, सब चीजों में पढ़ाई की जरूरत है। तो जो बच्चा अभी तालीम लेगा उसको कहीं ना कहीं आगे जाके फायदा देगा, और आपको भी जो आप उससे दिन में काम कराना चाहते हो आपको भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। रही बात छोटी उम्र के बच्चे की, जो बच्चा 10 साल तक का है उस बच्चे को आप अप्रैल के महीने में, अभी आने वाला है फरवरी चल रही है, 2 महीने में हमारे जो टीचर लोग ट्रेंड हुए हैं 2 महीने में ये बच्चे को तैयार कर देंगे स्कूल वापस ज्वाइन करने को। उसके बाद बच्चे को स्कूल लगातार आप लोगों ने भेजना है। जब आप लोग धोख में जाते हो दो तरीके हैं, सबसे अच्छा तो यही होगा कि भाई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ जाओ, धोख में जाने की जरूरत बच्चे को ना पड़े। अगर जाना भी पड़ रहा है तो हम जो आपके मोबाइल टीचर जाते हैं, जो गांव के लड़के होते हैं पढ़े लिखे मोबाइल टीचर, हम आपके फिर से पूरा रिव्यू कर रहे हैं, उसमें ऐसे लड़कों को भेजेंगे जिनको पढ़ना लिखाना आता है, और जो 4 महीने आप लोग का बच्चा ढोक में रहेगा उसका वो समय जाया ना हो। लेकिन हम लोग जितनी भी कोशिश कर ले, जैसा कि मैंने सबसे शुरुआत में बोला, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो हमारे कोशिश से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ढोक पे तो जाके मैं आपसे मिलने से रहा, मैं तो नहीं पूछने आऊंगा कि भाई बताओ आपका लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उस समय तो आप ही लोग खुद देख रहे हो। तो आप अपने बच्चे के खुद जिम्मेदार हो। हमारा काम आपको एक लेवल तक मदद करने का है, उसके बाद